बियर्ड्स तो बढ़ा ली, पर उसे मेंटेन करने के लिए मैं कौन सा ऑयल यूज़ करूँ, कितने सारे ऑयल्स मार्केट में है, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में है। तो पूरा जरूर देखिए ताकि आपकी पूरी हेल्प हो जाए। हाय दोस्तों, वेलकम टू आरडब्ल्यू रिव्यूज। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बियर्ड बढ़ा लेते हैं, अच्छी खासी उनकी दाढ़ी हो जाती है, बट फिर भी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। और मेंटेनेंस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये रहता है कि कौन सा बियर्ड ऑयल हम लोग सेलेक्ट करें। जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बियर्ड ऑयल उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो में एक ऐसा प्रोडक्ट लाया हूँ जो आपको रेगुलर यूज़ में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। सो मैं बात कर रहा हूँ मास बाय जीएससी के बियर्ड ऑयल के बारे में। सो मास बाय जीएससी का जो बियर्ड ऑयल है वो एकदम ही स्मूथ है, सबसे पहली बात तो। और साथ ही में इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँगा तो इसमें है भृंगराज ऑयल और साथ ही में टी ट्री एक्सट्रैक्ट, उसके साथ साथ अनियन ऑयल। तो ये जितने भी ऑयल है ये सब ऑयल आपके बियर्ड्स के मेंटेनेंस के लिए बहुत उपयोगी पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनियन ऑयल क्या करता है, आपके बियर्ड्स के रूट को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, टी ट्री ऑयल आपके बियर्ड्स को स्मूथ बना लेता है, और भृंगराज जो रहता है आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा रहता है, और मतलब आपकी जो चिन यहाँ की जो स्कैल्प है, बियर्ड की स्कैल्प है, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो जिससे डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो ओवरऑल ये ऑयल उन लोगों के लिए जो लोग मेंटेनेंस ढूंढ रहे हैं, मेंटेनेंस मतलब बियर्ड्स तो बढ़ा ली पर उनको मेंटेन कैसे किया जाए, तो ये इस ऑयल से आपको करना है। अब इस ऑयल को कैसे लगाना है, ऑयल को लगाने का तरीका बेहद ही सिंपल है। आपको मेक श्योर करना है कि आपके बियर्ड जो है वो ड्राई है, और आपको ये ऑयल लेना है अच्छी खासी क्वांटिटी में। अच्छी खासी क्वांटिटी में लीजिए क्योंकि ऑयल अगर आप लोगे वो ऑयल पूरा एब्जॉर्ब होना चाहिए पूरे स्किन में अच्छे से, ताकि वो ऑयल जो है वो इफेक्टिव बन सके। और उसे धीरे आराम से प्यार से मसाज करना है आपके बियर्ड्स के ऊपर, और आप देखोगे तो धीरे धीरे ये जो बियर्ड्स है वो आपकी स्मूथ भी होगी। आपको जब मेंटेनेंस का टाइम आएगा, बियर्ड्स कटिंग करने का टाइम आएगा, तो अच्छे से कटेगी भी नहीं। बहुत लोगों के बियर्ड इतने हार्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से कटिंग वगैरह के टाइम पे या फिर कट देने के टाइम पे, मतलब आप जब वो लुक देते हो, जैसे कि ये लाइन है उसको लुक देने के टाइम पे बहुत जो है वो इचनेस आ जाती है और फिर बहुत हार्ड हार्ड वाली फीलिंग लगती है, वो नहीं होगा। एक और चीज़ अगर इस ऑयल के बारे में कहूँ तो मास बाय जीएचसी का ये जो ऑयल है, ये पर्टिकुलर ऑयल आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर देता है। बिकॉज मार्केट में इतने सारे बियर्ड्स ऑयल है, मतलब फॉर एग्जांपल जिनको ग्रोथ बूस्टर हेयर ऑयल कह लो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके बाल पैची पैची आते हैं, बट जिनके बियर्ड्स ऑलरेडी आते हैं उनको भी बियर्ड्स ऑयल लगाने की ज़रूरत है ना, तो उन लोगों के लिए ये जो ऑयल है वो बहुत परफेक्ट है। स्मूथ फ्रेग्रेंस है, ज़्यादा ऐसा चढ़ता नहीं है फ्रेग्रेंस, और जब आप इसे लगा के जाओगे तो बाहर जो धूल मिट्टी है वो चिपकेगी नहीं। बिकॉज बहुत से ऑयल मैंने देखे हैं कि धूल मिट्टी उनके जो दाढ़ी पे है वो जमा कर लेते हैं जब हम ऑयल लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही में आपको जो बियर्ड का में जो रिजल्ट दिखेगा वो भी बहुत अच्छा होगा। रेगुलर यूज़ करने से आपकी बियर्ड्स में जो इचिनेस की समस्या रहती है, साथ ही में बहुत से लोगों को क्या होता है कि बियर्ड एक ही जगह से ज़्यादा बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मेरी ये एरिया की बियर्ड जो है वो जल्दी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो यूनिफॉर्मिटी जो है इस ऑयल से आप लगाओगे तो मिल सकती है। तो इस ऑयल को ज़रूर यूज़ कीजिए। मास बाय जीएससी का ये प्रोडक्ट है, आपको नीचे दिए गए लिंक में आपको ये ऑयल जो है वो मिल जाएगा, और वहाँ पे डिस्काउंटेड लिंक है, आप वहाँ पे से परचेस कर सकते हो। कोई भी बियर्ड रिलेटेड डाउट रहेगा तो नीचे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम पूरे कर सके 50K सब्सक्राइबर्स किसी भी हाल में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। इज रोहन अक्षरे साइनिंग ऑफ।